ऑब्वियसली बीजेपी को नहीं, मेरा नहीं है, मोदी के सिवा और कोई नहीं है। बचपना है, बच्चा है, तो बच्चा है, और ना वो डेवलप भी नहीं होगा। 2019 में अखिलेश यादव से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। उत्तर नमस्कार, आप देख रहे हैं उनका 24/7 और मैं आपके साथ इनु चौहान। एक बार फिर हम निकले हैं आज ये जानने के लिए कि जनता 2019 में किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री। क्या वो दोबारा एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगी या कोई और नया चेहरा सामने लेकर आएगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आते जाते लोगों से। 2019 में आप देश का प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे? ऑब्वियसली बीजेपी को नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। एग्जैक्टली मतलब कुछ भी नहीं किया यार, मतलब इतना ये वो बोलते हैं वो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट वो हमेशा घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ से यहाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मे बी राहुल गांधी बने तो क्या पता वो कुछ कर सकते हैं, तो हमें उन्हें एक चांस देना चाहिए। सर 2019 में आप देश का प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे? है कौन मोदी के सिवाय? ओनली मोदी, नोबडी एल्स। सर जैसा कि सुनने में आया कि राहुल गांधी भी इस पद के लिए काफी आगे बताए जा रहे हैं। बचपना है, बच्चा है, बच्चा और ना वो डेवलप भी नहीं होगा। जोर लगा ले, पूरे विटामिन दे लो चाहे, वो ना डेवलप होने का। मोदी जी को कांग्रेस जो है उसमें राहुल गांधी इस पद के लिए योग्य नहीं क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है मोदी जी सबसे योग्य रहेंगे। वो भी हैं बट फेवरेट होता है ना, तो मैं मोदी जी को सपोर्ट करूंगा। थैंक यू। कोई ऑप्शन ही नहीं है, राहुल गांधी तो बन नहीं सकता, मोदी बनेगा और क्या। मोदी। हाँ, कोई और नया चेहरा अगर सामने आए तो? नया चेहरा नहीं है, मोदी के सिवा और कोई नहीं है। देश में 2019 में अखिलेश यादव से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो 300 किलोमीटर का एक्सप्रेस भी बनाया, 12 मेडिकल कॉलेज बनाए, 4-4 NTPC बनाई हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, 10 सर लाने की बात करी थी, 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, क्या दिया? कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। ट्रेनें रोज पलट रही हैं, ट्रेनों की स्थिति कितनी ख़राब है, पटरियाँ सही नहीं हैं, झूठा एक वीडियो डाल देते हैं। कांग्रेस सरकार में तो 10 है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए, वो अपना एक को बनाते हैं, एक तरफ उनके जो मुख्यमंत्री जी के टोपी नहीं लगाते, प्रधानमंत्री वहाँ चादर चढ़ाते। तो देश सिर्फ विकास चाहता है, न कि जात पात की राजनीति के चक्कर में पड़ना चाह रहे। 2019 के चुनाव में अखिलेश से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, विकास पुरुष आदमी है, उससे बढ़िया कोई मुख्यमंत्री आज दिन तक नहीं हुआ। जो मोदी जी ने जो वादे किए सब झूठे वादे किए, ना कोई रोजगार है ना कोई कुछ भी नहीं है, सब डिप्लोमाबाजी कर रहे हैं। नेचुरल बात है, मोदी को ही चुनेंगे। आप मोदी के काम से कितना संतुष्ट हैं? काम में तो संतुष्ट नहीं है, कि ऑप्शन भी तो नहीं है। वैसे तो जितने राजनीतिज्ञ हैं सभी बेकार हो चुके हैं, कोई सही काम करने वाला नहीं है। मोदी है विदेशों में ही यात्रा करने वाला है। जब से वो आया GST और नोटबंदी करके जितना काम काज था, गरीब से लेकर बड़े लोग भी तबाह हो गए। क्या उसकी योजना है? वो तो बिल्कुल फोकस हो करके रह गया। स्ट्राइक नहीं है, इन सब को इकट्ठा करो और कुत्ते वाली वैन में ले जाके बॉर्डर पे छोड़ के धक्का दे दो, और यहाँ पुलिस गोलियाँ तान लो, इधर आएगा तो 5 कुत्ते छोड़ दो एक एक के पीछे, अपने आप फैसला हो जाएगा। 2019 में देश का प्रधानमंत्री, इस टाइम पे जो देश की स्थिति चल रही है, हम किसी भी उस पर देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हैं वो कहीं भी बाहर निकल के नहीं आ रही हैं, सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है बीजेपी सरकार की इस टाइम पे ग्राउंड लेवल पर। यदि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर तो अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बाकी हालात जो पहले रिजल्ट आए थे वो अब की बार रिजल्ट नहीं आएंगे, ये पूरी वो है। जैसे कि जनता कहना कि मोदी जी ने बहुत काम किए, तो क्या आप उनके काम से संतुष्ट नहीं है? नहीं, काम से संतुष्ट है, लेकिन काम ऐसा तो करें, कोई धरातल विकास तो नहीं दिख रहा ना उनका। जो काम हो रहा है वो सिर्फ हवाबाजी में काम चल रहा है, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी काम नहीं है। बिजनेस ट्रेड है वो पिटा पड़ा है, अब GST लागू हुआ है, डिमोनेटाइजेशन हुई थी, इसके कुछ भी पॉजिटिव इफेक्ट्स अभी तक कुछ भी मार्केट में नहीं नज़र आ रहे हैं। ओनली लोग बाग सफ़र कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, जॉब्स नहीं है, यंगस्टर्स हैं जो युवा हैं। आप देश के युवाओं के लिए शायद मोदी जी का आने का सबसे बड़ा मुद्दा था कि युवाओं को रोज़गार देना और ये सब, तो गवर्नमेंट रोज़गार तो बहुत दूर की बात है, प्राइवेटों में भी अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो ग्राउंड लेवल पे लोग बाग नहीं चाह रहे हैं। अब बाकी 2019 का पता लगेगा। देखो वैसे आप किसे लाना चाहते हैं 2019 में देश का प्रधानमंत्री?
देखिए, सबसे बड़ा जो मोदी जी का प्लस पॉइंट है वो ये है कि विकल्प कोई दूसरा नहीं है, इसीलिए मोदी जी उसमें आ रहे हैं। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या पॉलिटिक्स का वो होता है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष में जितनी विपक्ष पार्टियां सारी एकजुट हो जाती हैं, तो आप किसे नया चेहरा सुनेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? अभी मोदी जी आना चाहिए, मोदी जी आना चाहिए। आप मोदी जी के काम से कितना संतुष्ट हैं? 99%। मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है देश के पास। आप जैसे कि सुन में है कि मोदी सरकार, हाँ जी, का जो 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, हाँ जी, उन्होंने बहुत अच्छा विकास भी करा है, हाँ जी, तो उनके विकास कार्य को लेकर आप क्या कहेंगे? उससे अच्छा पिछले 65 साल में किसी ने दिया भी नहीं, जिस देश को बुलंदी पे उसने पहुंचा दिया है पिछले 4 साल में। कल भी एक वर्ल्ड वाइड रेटिंग आई थी जिसमें मोदी जी वर्ल्ड के तीसरे फेमस प्रधानमंत्री में से एक आ रहे हैं। हिंदुस्तान में इतने प्रधानमंत्री दिए कोई तो नहीं आया आज तक। वर्ल्ड वाइड देख लो इंडिया की स्थिति क्या है, तो वो सिर्फ मोदी की वजह से है। और देश को कोई बचा सकता है इकोनॉमिक स्थिति से तो वो सिर्फ मोदी जी हैं, उसके अलावा नथिंग एल्स, कोई नहीं। 2019 में भारत देश की 99% जनसंख्या का यह मानना है कि 70 सालों में जो काम नहीं हुआ था वो 4 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आप देखोगे तो जनधन अकाउंट, लोगों के अकाउंट नहीं थे, जनधन अकाउंट खुलवाए, लोगों के घर में गैस चूल्हे घर घर पहुंचाया, सबके साथ सबके विकास को गरीब से लेकर, जैसा कि मानना था अंत्योदय से लेकर, गरीब से लेकर अमीर तक का सबके विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। और जो सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो 4 सालों में नहीं बन पाया। उस 4 सालों में नहीं बन पाने के कारण, क्योंकि उसके लिए लंबा समय चाहिए जो कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया, तो यह मेरा मानना है कि 2019 में सभी लोग एक बार पुनः मोदी जी की सरकार बनाएंगे। और जैसा कि अभी भारत देश का नाम विश्व में हो रहा है और आगे चलकर भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुनः एक बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए सबसे पहले हमारा नाम जुबान पे आता है वो आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही आता है, क्योंकि ये ऐसे प्रधानमंत्री सदियों में जन्म लेते हैं और भारत के प्रधानमंत्री ऐसा कार्य कर रहे हैं जिनके लिए जनता को लाभ मिल रहा है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, आपका डिजिटल इंडिया से लेकर के आपका ये जो